नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गोछा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव उसके घर की गली में पड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू की। वे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गोछा गांव निवासी अमरजीत उर्फ दुबे बीती रात घर पहुंचा और भोजन के बाद सो गया। सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों ने उसका शव घर के बगल में स्थित गली में देखा तो सन्न रह गए। परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद अपर पुलिस अधीक्षक राहुल रिसिया, सीओ सदर शक्ति मोहन अवस्थी, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन के साथ परिजनों से पूछताछ की। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राहुल रिसिया ने बताया कि अमरजीत का शव उसके ही घर के बगल की गली में मिला। घटना की छानबीन के साथ परिजनों से पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक तौर पर यह पता चला अमरजीत ने रात में अधिक शराब का सेवन किया था। उसको उल्टियां हो रही थी तो वह घर के बाहर आया। देर रात उसकी पत्नी को नींद आने लगी तो वह घर के अंदर चली गई। सुबह उसका शव गली में पड़ा मिला। उन्होंने बताया कि फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही घटना के असली कारणों का पता चल सकेगा। आज लगभग सुबह प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोछा में इंद्रजीत, उम्र लगभग 28 वर्ष, अपने घर के पास ही उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। थाने पर फोर्स पहुंची, मैं भी मौके पर पहुंचा। तुरंत ही फील्ड यूनिट को और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। घर वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि रात में उसके द्वारा शराब पी गई थी और उसके द्वारा उसमें उल्टी की गई और फिर रात में घर के पास शौच के लिए वो निकला और वहीं पर वो गिर गया। पत्नी भी उसके पास थी, फिर पत्नी रात में घर में सोने चली गई। फिर सुबह उठकर घर वालों ने देखा तो उसके चेहरे, उसका आधा चेहरा जो था उस पर मांस नहीं था। तो पुलिस ने इसमें सारी सुसंगत कार्रवाई इसमें की है। इसमें पंचायतनामा, पोस्टमार्टम कार्रवाई करी जा रही है। घर वालों से जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा पा रहा है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। आसपास के घरों में कुछ सीसीटीवी लगे थे, पुलिस ने उनकी भी रिकॉर्डिंग लेने की कोशिश कर रही है। किसी जानवर द्वारा डेड बॉडी को छर्विचित किया गया, अभी ऐसा निश्चित रूप से कह पाना कठिन है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, सीसीटीवी कैमरों की पूरी रिपोर्ट आ जाए, फील्ड यूनिट ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है, आसपास के लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही कोई निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।